प्रकाश खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई इतना सर्वाधा का अधिकार सुरक्षित है। प्रिंटेड बाय द संजय बजाज और MS खेमरा श्री कृष्णदास पर प्रोपराइटर्स श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई, ये इनका पता है। ये कहाँ से प्रकाशित है? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं इसका है 21 पृष्ठ पर ज्ञान बोध, ये अध्याय है ज्ञान बोध और बोध सागर, इसके पृष्ठ नंबर 21 पे। धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत प्रिंट कर रखे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भर्म नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ब्रह्मा विष्णु में इसकी जन्म बताता हूँ। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जाना, ये राम है नाम गलत लिखे। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरलाए जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारी हे साहेब मेरा करो उभारी, टेर सुनी सतगुरता आए अष्टंगी के बंध छुड़वाए, धर्मराय को हिकमत की न्या नखरेखा से भग कर ली न्या, धर्मराय करे भोग बिलासा माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलावे इनमें ये जग धोखा खावे। इस काल के पुत्र तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी कहते हैं इस काल के विस्तार को चला रहे हैं और इनमें ये सब धोखा खा रहे हैं, भोली आत्माएं भी इन्हीं की पूजा करके। पुरुष गम कैसे कोई पावे काल निरंजन जग भरमावे, तीन लोक अपने सुत दीन्या सुन निरंजन बासा लीन्या, अलख निरंजन सुन ठिकाणा ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता हमारा पिता कौन है कहाँ रहता है, तीनों देव सो उसको ध्यावे निरंजन का वे पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा। काल के बारे में कहें ये बड़ा ठग है छल कपटी है, और तीन लोक जीव कीन आहारा तीन लोक के जीवों का आहार करता है खाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए सकल खाए पुन धूर उड़ाए, अपने पुत्रों को भी खाता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे इनको भी तपस्या पर भून कर खाता है, नए ब्रह्मा विष्णु महेश फिर उत्पन्न करके अपनी इस कार्य को चलाता रहता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते इसके पुत्र ये काल के पुत्र हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन व्यक्ति तत्वज्ञानहीन अंधे तत्वज्ञान नेत्रहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या काल पाए सभी गैलीन्या, ऐसा राम सकल जग जाने आदि ब्रह्म को ना पहचाने,
तीनों देव असुर अवतारा ताको भजे सकल संसारा, तीनों गुण का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। साखी गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अपने आत्मा अपने सदग्रंथों में एक अनमोल रतन भरा हुआ है, अनमोल ज्ञान भरा हुआ है। अब हम शिक्षित हैं, पढ़ के निर्णय लेकर अपनी भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। सतलोक जाने के बाद हमारा कभी मृत्यु जन्म नहीं होगा, वहां हम सदा सुखी रहेंगे। अब यहां एक प्रसंग आपके मन में यह आएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में कहां लिखा है, क्योंकि इस दास ने सन 1994 से लेकर आज 2011 तक लगभग 16-17 साल हो गए, 16-17 वर्ष हो गए, और इस ज्ञान का प्रचार करते हुए। लेकिन सन 2001 के बाद वेदों पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान का परमात्मा ने रोष प्रकाश किया, दास के अंदर प्रेरणा की। उसके बाद सन 2001 से आज 10 वर्ष हो गए, इतना प्रयत्न करता है दास, इतना परिश्रम करता है, गला भी कंडे में लिया, रात ने दिन में भी बात बोलना, दिन आ जा तभी समझाना, लगातार कंटिन्यूसली। और अब ये पुण्यात्मा धीरे धीरे अब इनको समझने लगी हैं, क्योंकि ये ऐसा अटपटा ज्ञान है, कभी देखा ना सुना। और शुरुआत में तो ऐसा उठ पटांग सा लग गया है, आँखें देख भी लेते हैं प्रोजेक्टर पे, उस बुक का राइटर का प्रकाशक का नाम नोट करते हैं, फिर परचेज करके लाते हैं, फिर देखते हैं, तब संतुष्ट हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं ये एक अनमोल प्रयत्न है, और दास चाहता है कि इस दास के पास बाल की खाल उतार कावें, बिल्कुल 100-100 बार समझ कावें, और फिर देखना आनंद। सीडी पर रखी हैं, पुस्तक लिखी हुई है, इनको ले जाइए, अपने मित्र भाई बहन रिश्तेदारों को दीजिए, सुनाइए उनको कोशिश करके, क्योंकि सभी को, सभी की भूख बेदाह हो चुकी है कि जिसको भी आप सुनाने की चेष्टा करते हो या तो उसके पास टाइम नहीं। अब एक और नया कोड वर्ड हो गया कि भाई टाइम को नहीं। अब फिल्म देखने लग जा 3 घंटे टीवी पर बैठे रहे, मुंह पाड़े, मोबाइल में सारे पंगे भरवा रखे, इसमें पता नहीं के बकवाद सुने जा, वो टाइम है। ताश खेलन लग जा वो टाइम है, राजनीति की डिस्कस करने लग जा वो टाइम है, और किसी की लग जा कण इधर उधर की वो भी टाइम है। तो वो क्योंकि उनके ऊपर जबर है, आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का दबाव भयंकर है, तो उसको हटेगा वो टाइम लगता है। तो इसलिए इतना संघर्ष करने के बाद भी ये, वैसे विश्व को देखते हुए तो चंद आत्माएं हैं लाखों की संख्या। तो दास का प्रयत्न है कि एक बार ये पूरे विश्व में फैल जावे। यदि 10% भी व्यक्ति इस ज्ञान से परिचित हो गए, 90% या तो यहाँ अपने आप आ जाएंगे, और ना फिर भक्ति नहीं करेंगे वो कोई और, वो कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार दास का उद्देश्य है कि इन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए गए जाल को ज्ञान से काटें, और ज्ञान को ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इसलिए दास बार बार ये सत्संग के अंदर प्रमाण देना चाहता है। एक बहन कह रही थी पंजाब से आई, वो कहने लगे जी मैंने आपका टीवी पर देखा, और हमारा दसवामी में थे, मेरी सास भी और मैं भी। तो मेरी सास को मैंने कहा देखो ये तो
और मैंने फिर यहाँ से बुक मंगा ली, सीडी मंगा ली, मैंने तो दिन रात समझा उसको। मेरा हृदय मान गया कि मैं नाम ले आऊँगी और इसको छोड़ूंगी, ये रास्ता ठीक नहीं। तो मैं नाम लेगी, मेरी सास विरोध करने लगेगी। मैंने उनसे कहा कि देखो बैठो, वह 10-5 मिनट बैठे और ये उल्टे सीधे वृक्ष के ये पेड़ दिखा रहा था दास, वह सीडी चल रही थी। तो मैंने बोली आपने गालियां देने लगी मेरी सास के, देख देख ये बना संत है, ये दरखता में भगवान बालदा है, ये पेड़ा में भगवान रब बालदा है, ये उठ कर चल पड़ी। ना तो ब्यास तो लिया बांध रखे, ब्यास साड़ा उड़ा भगवान उड़ खरीद लिया। अब कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ईसा कड़वा लग गया है और सच्चाई, इस बिना बात समझ में ना आ सकती। कौन से सिरे से समझावे दास के ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। नकली और असली नोट दोनों सामने आमने होंगे तब पहचान होगी। तो दास चाहता है, दिखाता है कि उन्होंने ये बोला है दास, ये हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं। मैं तो एक मजदूरी कर रहा हूँ इस असली और नकली को आपके समक्ष रख के और सच्चाई को ऊपर लेने की। सदग्रंथ ये बताते हैं, इन संतों का अनुभव ये बताता है। आप जी यदि सदग्रंथों को मानते हो तो आप भक्ति कर सकते हो, और सदग्रंथों को नहीं मानते, कहते हम तो मानते नहीं, फिर आपको समझाएंगे किस आधार से? फिर तो अपनी अपनी डफली सब बजा रहे हैं। तो ये देखिएगा शिवपुराण में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इस काल और दुर्गा के संयोग से। जैसे आपने आज दिन में सृष्टि रचना सुनी, उसी के आधार से अब ये ज्ञान प्रारंभ होगा। शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके संपादक हैं अनुमान प्रसाद पोदार, संपादक अनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर इतनी इतनी इतनी। इसमें 98 पृष्ठ से आपको दिखाते हैं। अब आपका ये ज्ञान समझ में होगा जो आपको मौखिक सुना था दिन में परमात्मा की सृष्टि रचना, अब यहाँ से समझ में आएगा। अध्याय 5 रुद्र संहिता और अध्याय पाँच यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके लास्ट में ही कुछ हमने यहाँ से लेकर आगे कर्म बन जाता है इसके पढ़ने से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले, 6 अध्याय में रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, उस समय तत्सद्ब्रह्म इस सरूति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99 पृष्ठ पर हमने पढ़ लिया। अब 100 पर आते हैं। पर जिस पर ब्रह्म के विषय में ब्रह्म के बारे में बताना चाहो, हर कदे पर ब्रह्म कह, हर कदे तत्सद्ब्रह्म कह, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। ये कहते हैं भगवान निराकार था, फिर वो सदाशिव बन गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अब देखिए सदाशिव कौन है।
अर्वाचीन और प्राचीन विद्वानों